हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 का पार्ट 2, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस कब वितरित किए गए थे? बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस कब वितरित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा 29 मार्च 1857 को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये डेट आपको याद रखनी है कि मंगल पांडे को फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को जब सैनिकों को अंग्रेजों ने चर्बी चढ़े कारतूस दिए थे, तो सैनिक जो भड़क गए थे, मंगल पांडे ने एक जो सैनिक अंग्रेज अफसर था तो उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे मेरठ से बैरकपुर छावनी से थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में 1857 की क्रांति कब व कहां शुरू हुई? भारत में 1857 की क्रांति कब व कहां शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर होगा मेरठ में 10 मई 1857 को, वो भी बैरकपुर छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली पर अधिकार जमा कर सैनिकों ने बहादुर शाह को सम्राट कब घोषित किया था? दिल्ली पर अधिकार जमा कर सैनिकों ने बहादुर शाह को सम्राट कब घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष किया? अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष किया था? तो अवध की जनता ने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो नाना साहब व तात्या टोपे, इन दोनों ने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। वास्तव में जो तात्या टोपे थे वो 1857 की क्रांति के हीरो कहे जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई, जो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा दीवान मणिराम ने असम में क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10, फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडला जो यूपी में पड़ता है, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति थी उसमें मांडला यूपी में नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसे क्वेश्चन डालता है पेपर में जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो, यानी कि आप अभी तक पूछे भी ना गए हों, तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। मांडला यूपी में क्रांति का नेतृत्व जो है वो रानी अवंतीबाई ने किया था। हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस ने कहाँ नेतृत्व किया था। अवध में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, असम में दीवान मणिराम, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और मांडला जो यूपी में है वहाँ रानी अवंतीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पर चलेंगे, आप ये जो नेतृत्व करता है इनको जो है ना वो अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 8th क्लास का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 18, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके रीट में तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसे करेंगे। तो 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और जब ये 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया था, तो जो सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो किसके पास चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था, ये जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था इसे समाप्त कर दिया था और इसके बदले वायसराय नियुक्त किया था। तो प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग को ही नियुक्त किया गया था और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। और ये अगर घुमाकर पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो 1857 के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, कोई कन्फ्यूज ना हो कि लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे, बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों को मुक्त किसने करवाया था? बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों को मुक्त किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा सेनापति जनरल नील ने। किसने करवाया था? सेनापति जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद से क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसा देंगे? ये कथन जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी के, जो 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कहे थे, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी की एक बात और थी कि इससे 1 साल पहले उन्होंने गोद निषेध नीति चलाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलेंगे, 1856 में किसने कहा कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट होंगे व उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो ये कथन जो है वो कहे थे लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहे थे, तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसा देंगे। और देखो थोड़े टाइम के बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, वो क्या कहते हैं कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, केवल राजकुमार ही मानेंगे। तो ये कितना अचंभे वाली बात है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह के जीवित रहते हुए ही उनके बारे में दो बातें जो है वो डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। तो उस समय बहादुर शाह के ऊपर क्या बीत रही होगी वो तो वही जानते हैं। तो नेक्स्ट पर चलेंगे, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह सेकंड को कैद कर कौन सी जेल में भेजा था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह सेकंड को कैद करके कौन सी जेल में भेजा था? इसका राइट आंसर होगा रंगून की जेल में बर्मा, जो कि म्यांमार है, ठीक है, वहां भेजा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह सेकंड को कैद करके रंगून की जेल में भेज दिया था और उनके जो 2 बेटे थे उन्हें गोलियों से उनकी आंखों के सामने ही भून दिया था, ठीक है। तो ये जो थे बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि बहादुर शाह सेकंड जो है ना, ये वो वाले बहादुर शाह नहीं है जो औरंगजेब के बेटे थे, वो अलग थे, वो बहादुर शाह प्रथम थे और ये 1857 की क्रांति के बहादुर शाह सेकंड हैं, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। जफर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो जफर नाम से शायरियाँ लिखते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो अंतिम टाइम में भी उन्होंने एक शायरी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर जो 2 गज जमीन न मिली कुबेयार में, ठीक है। इसका मतलब है कुबेयार का अर्थ होता है मातृभूमि, यानी कि कितना बदनसीब है बहादुर शाह जो उसे अपनी ही मातृभूमि पर 2 गज जमीन भी नहीं मिली,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको इन बातों से ये क्वेश्चन जो है वो याद रखने में आसानी होगी। राजस्थान में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और भारत में मेरठ से 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया था? नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया था? तो उन्होंने 28 मई 1857 को हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अवार्ड को चुनौती दी? नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अवार्ड को चुनौती दी थी? इसका आंसर सोचिए, आप बताने की कोशिश करें कि नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अवार्ड को चुनौती दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली बेग ने कर्नल अवार्ड को नीमच में चुनौती दी थी। ये जो नीमच है ये वर्तमान में तो MP यानी मध्य प्रदेश में है, किंतु उस समय रियासतें हुआ करती थी, तो नीमच मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच में क्रांति कब हुई थी? नीमच में क्रांति कब हुई थी? तो नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी वो 28 मई 1857 को हुई थी, नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नीमच में क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भागकर कहां शरण ली थी? नीमच में क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भागकर कहां शरण ली थी? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की सेना लेकर नीमच कौन आया? मेवाड़ की सेना लेकर नीमच कौन आया था? इसका राइट आंसर होगा कप्तान शावर्स। कप्तान शावर्स जो है वो मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आए थे। नीमच के बारे में हमने दो अंग्रेज अफसर्स के नाम पढ़े हैं, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल अबॉट को नीमच में चुनौती दी थी, कप्तान सावर्स जो मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आए थे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को ना आपस में कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरनपुरा छावनी तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कब किया? एरनपुरा छावनी तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 21 अगस्त 1857। कब किया था? 21 अगस्त 1857। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। हाँ, ये मानती हूँ कि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लर्न करने का, लेकिन आप दो तीन बार अगर वीडियो को रिवाइज करेंगे, सुनेंगे ध्यान से समझ कर, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, इसका एक पार्ट और बनेगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।